हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए मैं सामाजिक विज्ञान के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न के साथ उत्तर भी बताए गए हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो की जानकारी जरूर दे देना, उन्हें व्हाट्सएप में शेयर कर देना। देख लेते हैं फटाफट ये प्रश्नों के उत्तर। इसमें देख लें, प्रश्न नंबर 2 तैयार कर लीजिएगा, 3 तैयार कर लीजिएगा, बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। फिर ये है, देखिए फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने दे रहा हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। 8वां देखें, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ। और ऊपर 6वां देखें, मॉन्टेस्क्यू वाला, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। नेपोलियन वाला ये जो प्रश्न है इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। फ्रांस की क्रांति जो वाला टॉपिक है उसमें ये मॉन्टेस्क्यू, नेपोलियन, जैकोबिन्स, ये वाले प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो ये देखिए 3 ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखें फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम हुए थे, तो ये पूरे यहाँ 7 आ गए। फिर ये ओलंप दे गूंज के घोषणा पत्र के क्या अधिकार रहे ये कर लीजिएगा। फिर देखें कुछ अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया इसके, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव भी देख लें, इनके उत्तर भी आपके सामने हैं। देखिए क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको देखने पड़ेंगे तो यहाँ पे मैंने उनको बतला दिया है। अब देखें यहाँ प्रश्न पहला, ड्यूमा पर टिप्पणी और कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, तो ये तैयार कर लीजिएगा ड्यूमा वाला और ये कार्ल मार्क्स, मतलब पहला नंबर और तीसरा नंबर। इसके बाद बात करते हैं तो ये वैसे देखें कोऑपरेटिव क्या है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों 7वां और 8वां, खूनी रविवार की घटना क्या है, तो ये 22 जनवरी 1905 को हुई थी, इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखें यहाँ उदारवादी पर टिप्पणी आ सकती है कि उदारवादी क्या है। फिर यहाँ पे कार्ल मार्क्स कौन था, रूसी क्रांति में इसका योगदान बताना। फिर 4 देखें प्रथम युद्ध विश्व युद्ध वाला। फिर देखें रूसी क्रांति की सफलता के क्या कारण हुए थे। बच्चों आप लोगों की मदद स्वरूप मैंने यहाँ पे पूरा वीडियो बनाया है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए जार्ज का शासन क्यों खत्म हो गया था 1917 में, जार्ज शासन क्यों खत्म हो गया था। या फिर लिखा है पेट्रोगार्ड में फरवरी क्रांति पर टिप्पणी, तो ये कर लीजिएगा। फिर रूसी क्रांति के सामाजिक और आर्थिक कारण क्या हुए थे, तो ये पूरे पॉइंट है इसमें किन कारणों से ये घटी थी। फिर इसके बाद ये पूरा उसका जो बचे हुए पॉइंट है ये भी आ गया यहाँ पे। देखिए बच्चों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए फटाफट ये देखें 7वां क्वेश्चन, बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से परिवर्तन किए, ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा बच्चों। 8400400400, जी हाँ इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400400400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6-12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, यहाँ देखा पूरे ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं और इनके उत्तर भी आपके सामने लिखे हुए हैं। ये पर्ल हार्बर पर अमेरिका में किसने करी थी बमबारी, जापान ने। फिर यहाँ पर देखा पूरे उनके उत्तर लास्ट में नीचे हैं, ये एक शब्द में उत्तर। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1914। वर्सायी की संधि कब हुई थी, 28 जून 1919 को। नाथसी शब्द की उत्पत्ति, प्रश्न नंबर 2 जो दिख रहा है ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। नाथसी क्या है, हिटलर भाषा का शब्द है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग देखें ये जो लिखे हैं 3, 4, 6, 7, 8, ये एक एक नंबर के प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, तो इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा, सारे के सारे अच्छे प्रश्न हैं। फिर यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप तैयार कर लें। अगर आपके पास गाइड वगैरह नहीं है तो यहाँ पूरा मैंने सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। हिटलर की आर्थिक नीति आ सकती है, हिटलर की आर्थिक नीति क्या थी, हिटलर की विदेश नीति क्या थी। हिटलर बहुत ही माइंडेड व्यक्ति था, इसने बहुत सारी नीतियाँ बनाई थी और वो अपने देश को उन्नति पर ले जाना चाहता था। ये देखें द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो इसका क्या था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था हिटलर ने, ठीक है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। पूरा उत्तर लिखा है आपके सामने। फिर इसके बाद वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, ये भी आप देख सकते हैं।
ठीक ठाक प्रश्न है, थोड़ा सा लेंथी है, इसमें 3-4 पॉइंट है। देखो फर्स्ट सेकंड ये आ गया, इसके बाद ये थर्ड पॉइंट ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए, जर्मनी में नाथसीवाद का उदय किन कारणों से हुआ, ये तैयार कर लीजिए। तो इसके भी पॉइंट है, पहला वो आ गया ऊपर, दूसरा ये है आर्थिक संकट। इसके बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाथसी सोच के क्या पहलू है, तो ये पूरा प्रश्न वहाँ पे है ऊपर लिखा ब्लू कलर से, और बाकी ये पूरे पॉइंट है, तो आप लगभग 6 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। हिटलर की विदेश नीति की विवेचना, तो देखो हिटलर की विदेश नीति की क्या कंडीशन थी, ये पूरा लिखा हुआ है। बच्चों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, क्योंकि आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, पूरे उत्तर भी दे दिए आपको, तो एक तो फर्ज इतना तो आपका भी बनता है। ये देखिए पूरा हुआ, यहाँ पे आप लोगों का वो प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। फिर आया बच्चों नाथसीवाद के दौरान स्कूली शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए, तो इसका भी ये प्रश्न था। तो बच्चों यहाँ पे जो अपना इतिहास वाला चैप्टर वो कंप्लीट हुआ, अब बारी आती है भूगोल की, तो भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप देख लें। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो वो है कौन सा, ओडिशा। फिर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, ये सारे प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत का विश्व का कौन सा है 7वां बड़ा देश है, ये याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी मन्नार की खाड़ी है। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती, तो 2 भागों में बांटती है। भारत का क्षेत्रफल, ये पूरे उत्तर लिखे हुए हैं, आप इनको तैयार कर लें। बात आती है प्रश्नोत्तर की, तो यहाँ पर देखें ये जो निशान लगे हुए हैं 4वां 5वां 6वां, ये सब तो 6वां कर लेना। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, इसकी ट्रिक वगैरह मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। ये देखिए 12वां प्रश्न, इसके नीचे लिखा है भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, ये प्रश्न भी अपने आप में मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। सारा कुछ यहाँ पर जो दे रहा हूँ सब का सब बहुत अच्छा है, हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपका हमारे साथ बहुत फ़ायदा होगा। तो ये देखें भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व बतलाने के लिए आ सकता है, भारत का भौगोलिक दृष्टि से क्या महत्व है, भारत किस तरीके से फ़ायदेमंद है दुनिया के लिए, तो वो पूरा है। फिर इसके बाद देखें अगला अध्याय आ गया, अगले अध्याय के भी ये तो देखिए 4था पॉइंट, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी है। भारत में कितने द्वीप समूह हैं, तो 2 द्वीप समूह हैं भारत में, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, 8वां प्रश्न, वेदिका बनाने वाली कंडीशन क्या कहलाती है, तो भांगर। यहाँ देखें भाभर, और ऊपर देखें एक शब्द के उत्तर, ये भी आप तैयार कर लेना। भाभर ये अपने आप में मज़ेदार प्रश्न है, तो भाभर क्या होता है, नदियाँ जब नीचे उतरती हैं तो ये 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी बनाती हैं, इसे भाभर कहते हैं। फिर यहाँ पे देखें 7वां प्रश्न दोआब, और 8वां प्रश्न खादर, ठीक है। ये 7वां और 8वां, 7वें में निशान नहीं लगा पाया, पर आप कर लीजिएगा। दोआब और 8वां खादर क्या होता है, इस प्रकार की खेती के लिए आदर्श है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांगर एवं खादर में क्या अंतर है, बच्चों इसको तो छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी, इसको छोड़े तो ये आपको भी छोड़ देगा, इसको कर लेना। इसके बाद एक और, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर, आजकल ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपकी मदद करती है, तो एक लाइक आप भी कर दो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम तो हमेशा आपकी ऐसे ही मदद करते रहते हैं। आप पहली बार आए हैं इसलिए आपको ये जानकारी पहली बार मिली। देखें उत्तर अगला, मालवा का पठार और दक्कन के पठार में अंतर, ये भी आ सकता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर जलवायु से क्या आशा है, जलवायु क्या कहलाती, मौसम क्या होता है, व्यापारिक पवने किसे कहते हैं। फिर ये 6वां प्रश्न, आम्र वर्षा क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर मानसून फटने अथवा टूटने का क्या आशय होता है। फिर 15वां देखें सम जलवायु, फिर भारत में मानसून की जलवायु क्यों है, मानसूनी प्रकार की जलवायु, दूसरा प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। तीसरा जेट धाराएं, फिर 4था देखें मानसून की परिभाषा, फिर अगला प्रश्न सम जलवायु और विषम जलवायु में क्या अंतर है। वीडियो लंबा ना हो जाए, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद देखें वर्षा और वर्षण में अंतर, ये भी प्रश्न है, ठीक ठाक है, अच्छा है, देख लीजिएगा। जितना मुझे लगा मैंने सारे यहाँ पे दे दिए हैं। अब ये मज़ेदार प्रश्न, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये पूरे पॉइंट लिखे हुए हैं, कम से कम बच्चों आपको 5 पॉइंट जरूर लिखने हैं, ठीक है। फिर देखिए ये टिप्पणी, अल नीनो, दूसरा वाला पॉइंट जो दिख रहा है, अल नीनो के ऊपर टिप्पणी आ सकती है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अल नीनो क्या होता है, बच्चों यहाँ पे हमारा जो ये वीडियो है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसका पार्ट 2 में अगले चैप्टर्स के साथ, इसमें मैंने आपको इतिहास और भूगोल दे दिए हैं, अगले चैप्टर में आपको अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के उत्तर प्रश्नोत्तर उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।